अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कोरियन स्किन केयर टेक्निक्स क्या हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है स्किन केयर, कोरियन स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो कुछ टेक्निक्स हैं इसकी और कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ग्लोइंग और फ्लॉलेस स्किन पा सकती हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो आपको पता है आपने क्या करना है। चलें जल्दी से वीडियो। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है क्लींजिंग। आपने अपने फेस की बहुत अच्छे तरीके से क्लींजिंग करनी है। कोरियन स्किन केयर में भी जो पहला स्टेप होता है वो क्लींजिंग का होता है। चाहे आप कोई से भी कंट्री के हिसाब से अपने स्किन केयर को फॉलो करें, लेकिन उसमें सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो क्लींजिंग का ही आएगा, ताकि आपकी स्किन के से अच्छे तरीके से डर्ट साफ़ हो सके। जो भी आपने मेकअप वगैरह अप्लाई किया था या फिर कोई क्रीम वगैरह ही अप्लाई की थी, या इससे पहले जो आपने जस्ट फेस वॉश ही क्यों ना किया था, तो अच्छे तरीके से आपका फेस जो है वो क्लीन हो जाए और आप इस नेक्स्ट स्टेप के लिए आप आगे बढ़ें। तो क्लींजिंग सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपने टॉवल को अवॉइड करना है। टॉवल आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। क्लींजिंग करने के बाद अपने फेस को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, या तो आप जस्ट पानी से वॉश कर लें और उसको वैसे ही सूखने दें, या फिर आप जो है टिश्यू पेपर जो है वो उससे आप अपने फेस को क्लीन करें, या फिर वाइप्स हैं उससे आप अपने फेस को क्लीन करें। आपने टॉवल बिल्कुल भी जो है वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि टॉवल में कहीं ना कहीं जो है वो बैक्टीरियाज़ वगैरह भी होते हैं, कोई जर्म्स वगैरह होते हैं, जिससे आपके फेस पर आसानी से आ जाते हैं। तो आपने टॉवल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, उसे अवॉइड करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो ये है कि आपने फेशियल मिस्ट जो है वो आपने अप्लाई करना है टोनर की जगह पर। कुछ स्किन केयर में टोनर्स वगैरह अप्लाई करते हैं, तो आपने बिल्कुल टोनर अप्लाई नहीं करना है, आपने फेशियल मिस्ट अप्लाई करना है। ये भी जो है टोनर की ही तरह होता है, बट ये टोनर नहीं होता, ये फेशियल मिस्ट होता है। आपने वो अप्लाई करना है, वो बल्कि ऐड करना है आपने अपनी स्किन केयर रूटीन में। ये कोरियन स्किन केयर का थर्ड स्टेप है। अपने टोनर जो है वो फेशियल मिस्ट जो है वो आपने लाजमी अप्लाई करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो ये है कि आपने स्किन केयर प्रोडक्ट जो भी आप अप्लाई कर रही हैं अपने फेस के ऊपर, उसे अच्छे तरीके से पैट करके आपने जो है डैब डैब करके अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। रगड़ना नहीं है आपने बिल्कुल भी, ड्रैगिंग मोशन में आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है कोई भी प्रोडक्ट। आप हल्का सा कोई भी प्रोडक्ट लें अपने हाथों के ऊपर और जस्ट डैब डैब करके आपने अपने स्किन के अंदर जो है वो अपने स्किन के अंदर, ताकि आपके स्किन के अंदर अच्छे तरीके से चले जाएं, आपने पैट पैट करके अपने उस प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, बिल्कुल भी ड्रैगिंग मोशन में नहीं करना है। नेक्स्ट और लास्ट जो स्टेप आता है वो ये है कि आपने अच्छे तरीके से अपने फेस का मसाज करना है, ताकि आपके जो फेस की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके, आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो सके और बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो सके आपकी स्किन। तो आपने अच्छे तरीके से जो है वो मसाज करना है, थोड़ा टाइम देना है आपने अपनी स्किन को, तो फिर देखिए आप उसका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। कोरियन स्किन केयर के ये पांच जो स्टेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको पता है आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है और कमेंट्स करके मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कॉमेंट्स करके। और अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियोस को देख सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।